एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग सही होंगे और आई एम बैक विद बेबी दी, क्योंकि आप सबने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे जिनका आंसर हमें साथ में करना था, इसलिए हम ये वाली वीडियो साथ में बना रही हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करते हैं स्टार्ट। चलो, सो मुझे नहीं पता कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे क्योंकि मैंने नहीं देखे हैं और कोमल भी शायद अभी पढ़ने वाली है, तो फटाफट पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट मार रखे हैं, काफी लोगों ने अजीब अजीब क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं जिनका आंसर देना अनिवार्य नहीं है, मतलब कि वो कॉमन क्वेश्चन है, वो रिलेटेड हम दोनों के रिलेटेड तो है ही नहीं बिल्कुल। हम सिर्फ वो क्वेश्चन बोलने वाले जो हमारे रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि आप खुशी दी को बेबी दी क्यों बोलते हो? क्योंकि मेरा घर का नाम है बेबी दी, बोबी कुछ भी बुलाते हैं घर वाले, तो उसके पीछे दी लगा के बन गया बेबी दी बोबी दी। कुछ पहले मैं बेबी बुलाती थी अकेली, फिर मैंने सोचा कि यार इज्जत कर लेते हैं, तो पिछले पांच छह साल से मैं बेबी के पीछे दी लगाने लगी हूँ, तो इसलिए बेबी दी। जब ये छोटी थी ना इसमें मैनर्स नहीं थे, इसलिए पिछले 5-6 साल से सबके लिए मैनर्स क्योंकि बताती हूँ आगे चल के। नेक्स्ट है कि आप दोनों में एज डिफरेंस क्या है? ये मेरे से 4 साल छोटी है, बस इतना ही, बाकी हम लोग बराबर। हाइट और बॉडी वाइज हम दोनों सेम है, कपड़े भी हमें सेम ही साइज के आते हैं। आप लोगों की हाइट 5'3" 5'2" ही है? 5'2" 5'3" हाँ सेम है, सेम है। और किसी ने ये पूछ रखा है कि आप दोनों में कभी तगड़ी वाली लड़ाई हुई है क्या? यस हुई है। एक बार क्या हुआ था, हम लोग जम्मू में थे जब मैं आई थिंक 4th या 5th क्लास में थी। हाँ। तो इसके मामा की लड़की भी आ रखी थी, ये मेरे मामा की लड़की और इसके मामा की लड़की आ रखी थी, वैष्णो देवी जा रहा था। हाँ। लोगों ने तो इसने उसके साथ कुछ और प्लान्स बना लिया और मुझे बताया नहीं, मैं लिटरली पास में सो रही थी और मैं एकदम ऐसे उखाड़ के मुंह और इससे लड़ रही, मतलब ठीक है वही तेरी दोस्त है ये है, और मैं एकदम ऐसे थी। मैंने चाल खेली इसको ब्लाक मार के बीच में से भगा दिया और मैं और कोमल दोनों बेस्ट फ्रेंड, मतलब मैं और इसकी मामा की लड़की दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। तब मैं और जीतिया हम दोनों एक टीम में हुआ करते थे ना, मतलब कुछ ऐसे ही था, पता नहीं क्या था, कुछ तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने पूछ रखा है कि आपको कभी खुशी दी से जेलस फील हुआ है? यस, ये बहुत जल्दी थी, पहले 6 साल पहले। जलती नहीं थी मैं, मतलब मुझे ना ये पसंद नहीं थी दीदी, पता नहीं क्यों। मुझे हम लोग गाँव कभी कभी आते थे, मतलब मैं आती थी और दीदी ना बुलाती नहीं थी, तो मेरे को ऐसा था बुलाती थी मैं, ठीक है, मतलब मैं तब पंजाबी बोलती थी, हिंदी बोलती थी, हमारी मिलती नहीं थी। अब जेलस वाला फैक्टर मैं बताती हूँ, जब मैं 8th क्लास की छुट्टियों में कोमलोर के पास गई, तो ये मेरे से 4 साल छोटी है, तो ऑब्वियसली तभी इसने 4th करी थी, मैं 8th क्लास में थी, तो उस टाइम थी समझ यार, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इसको ऐसा था कि मैं बस मॉडर्न कपड़े पहनूं और मैं अच्छे से रहूं, तो घर वाले ने मुझे मिनी स्कर्ट वाली एक ड्रेस दिला दी, मतलब मेरे मामा जी ने और मेरे पापा ने मिनी स्कर्ट वाली स्लैक्स तब चलते थे ना, कितना वो कैप्री था, इसको वो फुल में मिली, मुझे थोड़ा हाफ में मिली, तो इसका ये था कि ये ज्यादा अच्छी लगेगी और ये अपने घर वालों से लड़ रही कि मुझे वैसे वाले कपड़े लेके दो, ये वो फलाना फलाना। और एक बार ऐसा था कि मैं 1st क्लास में थी, मुझे 1st क्लास में थी तो जीजू बना रहे थे वीडियो। हाँ, और एक बार की बात है, जब मैं 1st क्लास में थी तो दीदी लोग हमारे पास मुंबई आ रखे थे और मेरा ना इतना फेवरेट सेट था, ऐसे ट्राइंगल सा, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मोती 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 ऐसे आते थे, तो मैं स्कूल गई थी और दीदी लोग तब निकलना था उन्होंने, तो तब तो कहा मम्मी लोग छुट्टियां तो करने देते नहीं थे कि हाँ सी ऑफ करने रुक जा। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मैं हर दिन जाके जब खेलती बारबी डॉल्स या जैसे भी खेलना होता तो मैंने देखा, मैं कहा मम्मी वो सेट कहाँ गया, तो मम्मी कहती होते मैं बेबी को देता, और भाई साहब मैं इतना रोई, मैंने कहा मैं क्यों दे दिया उन्हें सेट, ये वो फलाना फलाना, पता नहीं बहुत कुछ किया था मैंने। किसी ने पूछ रखा है कि आप खुशी दी के कपड़े बोरो करते हो? हाँ करती हूँ, नहीं मतलब ये पहले क्या होता था कि पहले मैं पंजाब रहती थी, ये बाहर रहती थी, तो ये अच्छे अच्छे कपड़े लेके आती थी तो वो मैं पहनती थी, अब मैं बाहर रहती हूँ ये पंजाब रहती है, तो मैं जब कुछ कपड़े लाती हूँ तो इसके लिए लेके आती हूँ। हाँ, अभी मैं स्कूल स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि क्या कोमल दी का अकाउंट हैक हो गया, तो यस, जो सिमरनजीत कौर वाला अकाउंट था उसके नीचे मेंशन भी कर देगी, उसको जाके अनफॉलो मार दो, एंड जो नया अकाउंट है सिमरनजीत के _0 सिमरनजीत के अकाउंट उसको फॉलो कर लो, ये उसका इसका हैक हो गया, इसकी गलती की वजह से हुआ था। हाँ, मान ली मैंने गलती। अबाउट योर बॉन्डिंग बहुत अच्छी है,
6 साल पहले तक हम लोग बेस्ट दुश्मन थे, मतलब ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, मिस की सबसे बड़ी, मतलब इसके अंदर बहुत जेलसी फैक्टर था कि ऐसे ओ माय गॉड मैं बॉम्बे से आई हूँ ऐसा वाला कुछ। हाँ, कुछ कुछ। और मेरे अंदर था कि अगर तू बॉम्बे से आई है ना, नहीं है मेरे पास तो मेरा भाग अगर तू बॉम्बे से आई ना देख मैं भी कुछ कम नहीं हूँ ठीक है, मतलब यस। तो हम लोग यू नो ये मतलब ऐसे था कि दीदी और वो भी साथ में रहते थे, मैं और संजय पाजी साथ में रहते थे, मतलब हमारे ऐसे चलता था, हमारा दो ग्रुप थे, मतलब मेरे साथ बबजीत बहुत ज्यादा रहता था और ये मुझे कते पसंद नहीं थी, मैं इसे कते पसंद नहीं थी। लेकिन सडनली जैसे हम लोग बड़े होना स्टार्ट हुए, जब हम लोग मेले में जाना, हमने 4-5 साल पहले मेले में जाना स्टार्ट किया साथ में जब ये गाँव आती थी, उसके बाद हम लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया एंड टच वुड अब तो बहुत ज्यादा ही अच्छा, मतलब तो पूरी फैमिली में हम दो ही हैं जिन जो लड़कियां हैं और कोई लड़की नहीं है हमारी फैमिली में, तो इसलिए हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? जो वैसे अगर मैं देखो जाऊँ तो मेरी कोई ऐसी खास बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरे अगर मेरी किसी माड़ा मोटा बात होती है तो कोमल से होती है। मेरे तो ऐसा है कि अलग अलग जगह रही हूँ, अलग अलग फ्रेंड्स बनी है। सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हु इज योर बॉयफ्रेंड, किसी ने पूछा तो गाइस ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं क्योंकि ये बहुत ही भोली वाली बहुत ही संस्कारी लड़की है, इसको अपनी दुनिया में मतलब इसको अपनी जिंदगी में सिर्फ हमें पढ़ाई से मतलब है और किसी चीज से नहीं। हाँ सही बात, जहाँ फिर थोड़ी बहुत रील बना लेती है बस। सही बात। घर का नाम खुशी दी और आपका? मेरा घर का नाम मैंने बता ही दिया है, मेरा यहाँ जो नाम है रुड़की वो तो वही वाला है और जो मेरा नाम हम पागल है यहाँ पे जो वीडियो बना रहे हैं अच्छा हाँ एक बहुत कंफ्यूजन वाली बात है कि आप दोनों रियल सिस्टर्स या कैसे? मैं बता देती हूँ, हमारी फैमिली में सारे कजन्स में हम दो ही लड़कियां हैं, मैं और कोमल, और ये मेरी मामा जी की लड़की है, मैं इसकी बुआ की लड़की हूँ और कोई लड़की नहीं है, तो इसलिए अगर मेरी कोई रियल सिस्टर होती तो मैं इससे पूछती भी ना, और अगर शायद इसकी रियल सिस्टर होती तो शायद खुशी दी का कितना वेट है? तो मेरा वेट है 52 और तेरा 50। आप विवेक भैया के सामने व्लॉग करने से शर्माती क्यों? किसी ने पूछा है तो मैं बता दूंगा सब कुछ नहीं है, एक होता है ना कि इनका जो विवेक और सिमरन का बॉन्ड है बहुत ही प्यारा, इतना लड़ते हैं मतलब लड़ना भी जैसे अभी भी वीडियो बना रहे हैं तो बीच में चीजें लगा रखा है। नहीं ऐसा होता है जैसे कि अगर हमसे कोई अच्छा पापा को ड्राइव करना अच्छा आता है तो या फिर जीजू को ड्राइव करना अच्छा आता है तो मैं जीजू के साथ अगर कभी ड्राइव कर रहा था तो मुझे ऑब्वियस थोड़ा डर लगता है, या फिर अगर वही चीज है हाँ, तो फिर इसलिए जीजू गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। लाइन बोल दे कोमल, एक ग्रेटिट वाली लाइन बोल। चलो ठीक है, कोमल के लिए आया कि कोमल किसे ज्यादा प्यार करती है, विवेक जीजू को, खुशी दीदी को, आप दोनों में से? राजा को नहीं, दोनों में से बताना। थैंक यू ऐसे दोनों में से दोनों को करते हो, एक बताना एक, चल कोई तो जीजू का नाम ले लेगा कुछ गुस्सा नहीं करूंगा। तो अगला क्वेश्चन है कि कोमल शादी कब करी है? कोमल मेरे से 4 साल छोटे हैं तो ऑब्वियस बात है, जब मेरी शादी को 4 साल हो जाएंगे तब इसकी शादी हो जाएगी, तो मेरा मेरी शादी को 2.5 साल मतलब मैंने ऐसे कमिटमेंट किया था दीदी से कि आपकी इस शादी के 4 साल बाद, मुझे नहीं पता था कि दीदी जस्ट अगले साल ही शादी करने वाली है, तो इस अभी तक मेरा कोई ऐसा तो मेरा अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है शादी करने का कि मैं 4 साल बाद ही करूंगी, या मतलब 2.5 साल रह गए, 2 साल रह गए। हाँ, और किसी ने पूछा है कि आप लोगों का मेमोरेबल डे कौन सा था, मतलब एक मोमेंट कौन सा था, तो हम लोग जब मेले में जाते थे वो वाला, और मुझे हम तब भी बहुत अच्छा था जब हम बुला ले बुला ताल गए थे, 10-10 रुपए मिले थे उन सबको और हमने बांट के खाए थे, बहुत मजा आया। अच्छा एक दिन वो भी बहुत अच्छा था जब हम लोग गगन का टिल्ला गए थे, याद है? टिल्ले गए थे जब मैं 8th में थी आप 12th में थे, तो हम लोग टिल्ले गए थे और बड़ा मजा किया था। स्लाइड एक दिन वो भी बहुत अच्छा था जब मैं शेरपुर मेले पे गई थी भोगे किरण को बिठाया था उसपे, तो रोने लग गए थे, याद है भोभी छोटे वाले 4 वाले उसमें बिठाया था जो गोल गोल घूमता है, और इतना रोई किरण और वो भी सच में। किसी ने लिखा है कि सिमरन दी सॉन्ग में कब दिखेंगे, तो गाइस मैं क्लियर कर दूं, ये पढ़ने वाली लड़की है, इंस्टा सिर्फ शौक के लिए चलाती है, ये सीडीएस कर रही है और इसको इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
किसी ने पूछा खुशी दी आपसे बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये मेरे से 4 साल छोटी है, मेरे से 4 साल बड़ी है, मैं 24 साल की हूँ और ये अभी 21 की हो जाएगी, मतलब खुशी दी आपको अपना सामान यूज करने देती है। किसी ने पूछा खुशी दी आपको अपना सामान यूज करने देती है? हाँ हाँ, हम दोनों कितना मेकअप साथ साथ में करते हैं। सामान ही है, सामान यूज नहीं, मिस यूज करती है सामान का। ऐसा था कि पहले खुशी दी बहुत ज्यादा मेकअप करती थी, तो मैं भी पीछे दीदी बस लगाती रहती रखती, और मैं पीछे पीछे लगा के अच्छा अच्छा ये लगा रखा है। मुझे किसी ने आपसे पूछा कि खुशी दी इतनी शरारती है तो वो अपनी फैमिली में किस पे गई है, मम्मी पे या डैडी पे? कोई पे, डैडी पे गई शायद। नहीं, मैं सीरियसली बताऊँ, मैं अपने घर में किसी पे भी नहीं गई, मुझे लगता है ऐसा, मुझे लगता है नहीं, आप अपनी दादी पे गई हो। अच्छा हाँ, खुशी दी का पंजाबी में नेम जैसे मेरा, इसका सिमरजीत कौर है, तो मेरा नाम है प्रीत कौर, प्रीत कौर, प्रीतो, मेरा कुछ और था। बेबी दी के बहुत नाम चेंज हुए, दीदी का एक्चुअली नाम था मनप्रीत कौर, इनकी दादी के नाम लिखवाने और मन को हटा दिया, प्रीत कौर ही रह गया। तो अगला क्वेश्चन है, आप दोनों में लड़ाई होती है? तो ऐसा नहीं है, जब से मेरी शादी हुई है, शादी से पहले भी हमारी कभी लड़ाई नहीं लड़ाई है। ऐसे हाँ, इवन मैंने मुझे भी याद है, मैंने शादी के बाद एक बार इसको डांट दिया था किसी बात के लिए, तो मैं डांट देती हूँ इसको, लेकिन ये आगे से रोने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई होती है, मतलब ऐसे मैंने कभी बोला नहीं कि हाँ दीदी यू कर, मतलब लड़ाई तो कब होती है ना, दोनों तरफ से होता है कुछ। सो मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, अगर कुछ रह गया होगा तो हम जब कभी फिर मिलेंगे तब करेंगे। सो बने रहिए ब्लॉग के साथ, नहीं चैनल के साथ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक बार तो भी देख ले। आप देखिए, एक चीज देखो, इतना स्टॉक रेडी कर दिया, ऐसा स्टॉक रेडी कर एक बार के। हे एवरीवन, वेलकम टू, बता दो।